मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में सीओ गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सुपर जोन और सेक्टरों में 3 पालियों में भारी पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 4 एडिशनल SP, 12 CO और 50 इंस्पेक्टर, 500 उपनिरीक्षक, 1000 कांस्टेबल व 4 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS की टीम को भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अलग से LIU की टीम भी लगाई गई है, जो कि हर पॉइंट पर 3 पारियों में अपनी ड्यूटी दे रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार को बनाया गया है। उनकी सुविधा का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए मेले में हमारी महिला की टीम, QRT टीम, मोबाइल टीम को लगाया गया है, जो कि लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित करने के लिए करीब 50 जगहों पर हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है और करीब 75 जगहों पर CCTV की मदद से हम पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिनके 3 सेंटर बनाए गए हैं जो 2400 घंटे निगरानी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मंदिर क्षेत्र में एक पोखरा है जहां लोग स्नान करने जाते हैं और वोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए SDRF की टीम और NDRF की टीम लगाई गई है और जहां भी संवेदनशील स्थान है वहां 5 कंपनी PSC लगी हुई है, जो सशस्त्र हैं और पूरे मेले को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह ने कहा, जूता चप्पल निकाल के आइए, मेले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 10 जोन में विभक्त करते हुए उनको 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में 3 पालियों में काफ़ी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब हमारे 4 एडिशनल SP रैंक के, 12 CO और करीब 50 इंस्पेक्टर, 500 सब इंस्पेक्टर, करीब 1000 पुरुष कांस्टेबल्स तथा 400 महिला कांस्टेबल ये ड्यूटी में लगाई गई हैं। पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग से विभिन्न 14 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास जो है ATS की टीम है, जो आतंकवादी कोई गतिविधि होगी उससे निपटने के लिए लगाई गई है। LIU की टीम है, सादे वस्त्रों में लगाई गई है। प्रत्येक पॉइंट पर 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है।
मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वारों की व्यवस्था की गई है। उनकी सुविधा का पर्याप्त पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए मेले में भी हमारी महिला की टीम, QRT की टीम, मोबाइल टीम, ये सब लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ उनको निर्देशित करने के लिए करीब 50 स्थानों पर हमारा PA सिस्टम लगा हुआ है। करीब 75 स्थानों पर हम CCTV की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिनके 3 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे 24 घंटे हमारी निगरानी चल रही है। गर्भगृह में अलग से स्वयं सेवकों की और हमारे पुलिस बल की ड्यूटी लगी हुई है, जो पूरे सुरक्षा के साथ उनकी सुविधा को देखते हुए उनको दर्शन करा रहे हैं। इसी के साथ मंदिर क्षेत्र में एक पोखरा है, वहाँ पर भी लोग स्नान करने जाते हैं और बोटिंग का आनंद उठाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एक SDRF की टीम, एक NDRF की टीम तथा फ्लड की PSC लगाई गई है। विभिन्न जो स्थान है हमारे संवेदनशील, वहाँ पर करीब 5 कंपनी PSC हमारी लगी हुई है, जो शिफ्ट वार उनकी ड्यूटियाँ चल रही हैं, जो सशस्त्र हैं और पूरे मेले को जो है एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं।